हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो और स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली डोज के तीसरे एपिसोड में, जहां पर हम इग्नू से जुड़ी पिछले हफ्ते की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास अपडेट है दोस्तों इग्नू के जुलाई 2024 के न्यू एडमिशन को लेकर। 20 सितंबर के बाद से न्यू एडमिशन को एक बार फिर से एक्सटेंड करा गया है। अब आप 30 सितंबर तक इग्नू के अंदर नया एडमिशन ले सकते हो। और ये जो अब एडमिशन चल रहे हैं सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस प्रोग्राम के अलावा बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आप अभी भी एडमिशन इग्नू के अंदर ले सकते हो। इसी तरह से जो जुलाई 2024 सेशन के री रजिस्ट्रेशन है इसकी भी जो लास्ट डेट है इसे अब 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इसमें अब 200 रुपये का लेट फाइन लग रहा है। और जो सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है इसके री रजिस्ट्रेशन अब क्लोज कर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जून 2024 के रिज़ल्ट की। जून 2024 सेशन के थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की एक और नई अपडेट 21 अगस्त की डेट में पब्लिश करी गई है। और ये जो थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये अब अपने इख्तिताम पर आप कह सकते हो, एंड में आप कह सकते हो। ये जो रिज़ल्ट है अब फाइनल फेज़ में चल रहा है, लेकिन स्टिल अभी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो मेक श्योर कि अभी आप पैनिक मत क्रिएट करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इसी तरीके से दोस्तों जो ग्रेड कार्ड है आप लोगों का, ग्रेड कार्ड का भी जो स्टेटस है इस वीक में अपडेट हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। ग्रेड कार्ड के अंदर काफ़ी बच्चे ये क्वेरी कर रहे थे, सर हमारा थ्योरी एग्ज़ाम का या असाइनमेंट का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं हो रहा हमारा। तो इसके लिए आप ग्रीवियंस फॉर्म भर सकते हो ग्रेड कार्ड, अगर अपडेट आपका आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया तो। इसके बाद जून 2024 सेशन के जो असाइनमेंट के रिज़ल्ट हैं वो भी इस वीक में कुछ कुछ बच्चों के अपडेट हुए हैं, तो आप असाइनमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। असाइनमेंट में थोड़ा सा मैं इस बात पे जोर दूंगा दोस्तों, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने डिग्री के या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं और उनका अभी तक भी असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, शो ही नहीं हो रहा, तो आप एक बार प्लीज़ अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट कीजिए। वहीं जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर नहीं है वो बच्चे अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करें। ये बात थी जून 2024 के रिज़ल्ट को लेकर। इसके बाद आपको पता ही है दोस्तों जो दिसंबर 2024 है उसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ़िलहाल निकले हुए हैं, इसकी अपडेट हमने आपको हर एक वीक में प्रोवाइड करी है। और इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो बच्चा दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देना चाहता है तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दे, सो दैट जो एग्ज़ाम सेंटर आप ऑप्ट करना चाहते हो वही एग्ज़ाम सेंटर आपको मिले। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में देरी करोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर आप लेना चाहते हो वो सेंटर आपको नहीं मिले। एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे हमारे सारे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ एमकॉम के बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ईमेल वगैरह डाल सकते हो जो एग्ज़ाम फॉर्म की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ताकि एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर हमने सेपरेट वीडियोज़ बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जाकर देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है दोस्तों आपके दिसंबर 2024 के असाइनमेंट सबमिशन की। देखिए दिल्ली के अंदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं, 1 हो 2 हो या 3 हो, इन सब की जो गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट सबमिशन की वो ऑलरेडी रिलीज हो गई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आपका कोई स्पेसिफिक रीजनल सेंटर है दिल्ली के अलावा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ हंसराज कॉलेज के बच्चे हैं जो क्वेरी कर रहे थे, सर गाइडलाइंस के अंदर लिखा है कि हार्ड कॉपी में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, बट जब हमारा जो ईमेल है उसमें हमें मेल आया हुआ है कि गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करो, तो इसका अपडेट ये है कि हंसराज कॉलेज गूगल फॉर्म के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट करवाएगा, तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, गाइडलाइंस में उन लोगों को अपडेट करनी चाहिए चीज़ें जो कि नहीं करी गई हैं। ताकि इसके अलावा एज अर्लियर आई रिपीट कि आप के अगर कोई स्पेसिफिक रीजनल सेंटर है तो आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाई जाए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जुलाई 2024 में जिन बच्चों ने नया एडमिशन लिया है उनसे मैं एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना समर्थ पोर्टल पर अकाउंट ज़रूर से क्रिएट कर लें और साथ ही साथ आप अपनी ABC ID और DEB ID ज़रूर से क्रिएट कर लें। जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं उन्हें DEB ID क्रिएट करना मैंडेटरी है, तो आप लोग ये काम भी कर लें। याद रखिए फ़िलहाल मैंडेटरी है, अभी इसकी इमरजेंस सिचुएशन नहीं आई है। और DEB ID या ABC ID कैसे बनानी होती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसके अलावा और कोई बड़ी अपडेट मुझे नहीं लगता कि इस वीक में आई है इग्नू से रिलेटेड, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।